जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 24वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित सरकार के कई मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 24वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित सरकार के कई मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बी रामासुब्रमण्यन से पहले मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। 30 जून 1958 को जन्मे न्यायाधीश बी रामासुब्रमण्यन ने चेन्नई स्थित विवेकानंद कॉलेज से बीएससी की और वर्ष 1983 में लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत शुरू की। उन्हें 31 जुलाई 2006 को मद्रास हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश को मुख्य न्यायाधीश मिलने पर खुशी जताई और कहा कि नए न्यायाधीश मिलने से न्यायिक व्यवस्था में तेजी आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी नए चीफ जस्टिस को नियुक्ति पर बधाई दी। मुख्यमंत्री से पूछे गए लोकायुक्त और मुख्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने पदों पर जल्द नियुक्तियों करने की बात कही। सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर मंथन कर रही है और बहुत जल्द पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हिमाचल छोटा प्रदेश है और यहाँ सारी चीजें अच्छी हैं। लगता है कि उनके मार्गदर्शन में और हिमाचल प्रदेश के सारे संदर्भ में जो है वो बहुत ही चीजें व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो है वो रास्ते निकलेंगे और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ।